इस न्यू मॉडल तंपा बे है, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं इसमें हम एएचडी कैमरा और नॉर्मल कैमरा का स्विचिंग कैसा करते हैं, सेटिंग कैसा करते हैं। पहले हम सिस्टम ऑन हो गया, अभी हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के बाद सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग ये नॉर्मल सेटिंग में रहता है, डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है। हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, फिर फैक्ट्री सेटिंग में जाएंगे। फैक्ट्री सेटिंग को ऑन करेंगे, कोड इसमें डालेंगे 2468, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म कर दिया, अनसिक्योर ऐप है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो प्ले स्टोर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम कैमरा सेटिंग में जाएंगे, बैक कार सेटिंग है, बैक कार सेटिंग को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे अगर इस, अभी ये नॉर्मल जो है एएचडी मोड में है, हम रियर को सिलेक्ट करेंगे। रियर जो है एएचडी 720 ए ऑलरेडी सेटेड है। अगर हम नॉर्मल कैमरा लगाते हैं तो इसको हम CBSC NTSC नॉर्मल कैमरा के लिए सेट करते हैं, और एएचडी लगाएंगे तो एएचडी 720 पिक्सल में रहेगा। और पार्क असिस्ट लाइन अगर नॉर्मल कैमरा लगाएंगे तो बंद कर देंगे, एएचडी कैमरा लगाएंगे तो ये असिस्ट लाइन ऑन रहेगा। ये ऑन करने के बाद हम इसको फिर सेव करेंगे। सेव कर देंगे तो कैमरा जो है एएचडी मोड में अभी चलेगा ये। और नेक्स्ट क्या है, अगर एएचडी मोड का कैमरा 3 पॉइंट मॉडल है तो उसमें कैमरा के पास व्हाइट वायर आता है पारिक, उसको काट देना है। वो काट देने में फिर एएचडी मोड में चलेगा वही कैमरा। वो कैमरा नॉर्मल भी चलता है, एएचडी भी चलता है। तो ये सिस्टम एएचडी भी सपोर्ट करता है और नॉर्मल सपोर्ट करता है। ओके, बंद बंद बंद।